डियर स्टूडेंट वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा क्या है। स्टूडेंट रिवाइज कर लेते हैं, अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है, जैसे अर्थमेटिक भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उसी तरह अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इस ब्रांच में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स और सिंबल्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एनी न्यूमरल वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर सिंबल्स प्लस और माइनस इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सो स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है न्यूमरल और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो कनेक्टेड रहते हैं वन और मोर सिंबल्स प्लस और माइनस से। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग की न्यूमरल क्या होते हैं। सो न्यूमरल्स मीन्स वी नो दैट न्यूमरल्स क्या होते हैं, नंबर्स न्यूमरल्स होते हैं। ओके, 1, 2, 3, 4 इस तरह। एंड वेरिएबल वी नो दैट वेरिएबल जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहती है। ओके, जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं रहती है वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं, जो सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, सो न्यूमरल और वेरिएबल, सो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय, ये जो न्यूमरल और वेरिएबल है ये कनेक्टेड रहते हैं किससे, वन और मोर सिंबल्स प्लस और माइनस से। ओके, इज नॉन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जाना जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बिकॉज डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि वेरिएबल और वेरिएबल जो कि प्लस और माइनस से कनेक्टेड रहते हैं इन्हें कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे इसमें न्यूमरल तो है ही नहीं। स्टूडेंट 1.x मीन्स 1 × x इज इक्वल टू कितना होता, x ही होगा, है ना। सो यहाँ पर कुछ नहीं मीन्स 1 हो सकता है। सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा बिकॉज यहाँ पर है न्यूमरल एंड वेरिएबल, वेरिएबल और न्यूमरल का कॉम्बिनेशन है प्लस और माइनस में। ठीक है, देखिए ये वेरिएबल और ये भी वेरिएबल है, सो ये प्लस से कनेक्टेड है, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह 2x प्लस वाई ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह 5a माइनस 6 6b माइनस c ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें लेटर्स सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, हम जितना लेटर्स चाहे उतने लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो 5a माइनस 6b माइनस c ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि माइनस से कनेक्टेड है। ओके, ये न्यूमरल है, वेरिएबल है, जो वेरिएबल है इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है, जैसे वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज होगा। यदि हम 1, 2 और यहाँ पर 3 लिख करके इसको सॉल्व करते हैं सो हमें जो आंसर फाइंड होगा वो यहाँ पर ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3 लिखने पर जो फाइंड होगा उनमें डिफरेंस होगा। सो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज होती है मीन्स फिक्स नहीं है, क्लियर दैट। सो स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये हमने देखा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टू पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स कंसिस्ट करके रखता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट है न्यूमेरिकल पार्ट, ओके, न्यूमेरिकल पार्ट, एंड देन सेकेंड है लिटरल पार्ट। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इस बेसिस पर टू पार्ट्स कंसिस्ट करता है, न्यूमेरिकल पार्ट एंड लिटरल पार्ट। इसमें जो नंबर्स है ये न्यूमेरिकल पार्ट है एंड ये लिटरल पार्ट है, क्लियर दैट। सो स्टूडेंट
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टू पार्ट्स हैं, न्यूमेरिकल पार्ट एंड लिटरल पार्ट। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 3xyz, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, इसमें 3 है न्यूमेरिकल फैक्टर। क्या है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फैक्टर एंड एक्स वाई जेड ये है लिटरल फैक्टर। लिटरल फैक्टर, ठीक है। सो दैट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू पार्ट कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल फैक्टर एंड जो लेटर से वेरिएबल से ये पार्ट कहलाता है लिटरल फैक्टर। क्लियर देन, टू पार्ट कंसिस्ट करता है जिसमें न्यूमेरियल वाला पार्ट न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाता है एंड जो वेरिएबल से वो वाला पार्ट कहलाता है लिटरल फैक्टर। क्लियर देट। सो स्टूडेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और न्यूमेरल ये कॉम्बिनेशन होता है और वो कैसे कनेक्टेड रहता है? प्लस और माइनस से, ठीक है। इस बेसिस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू पार्ट कंसिस्ट करता है जिसमें नंबर वाला पार्ट कहलाता है न्यूमेरिकल पार्ट एंड जो वेरिएबल्स वाला पार्ट कहलाता है लिटरल फैक्टर, ठीक है। न्यूमेरिकल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर। स्टूडेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टाइप्स के होते हैं। सो पढ़ते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर हम 4 टाइप्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पॉलीनोमियल, ठीक है। सो वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है जो कंटेन करता है केवल वन टर्म को। किन्हीं टर्म को? केवल वन टर्म को कंटेन करता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल -9, ओके, एक्स, 2xyz। सो स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये तो मोनोमियल है, बट ये मोनोमियल है कैसे? सो स्टूडेंट देखिए -9 ये तो न्यूमेरल है, इसमें वेरिएबल कहाँ है? सो स्टूडेंट ये मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा बिकॉज इसमें एक ही टर्म है। कितनी टर्म है? एक ही टर्म है, ठीक है। इसको हम 0.xp करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब 0 का x में मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज 0। सो स्टूडेंट देखिए ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया न्यूमेरल, ठीक है। सो कितनी टर्म होना चाहिए मोनोमियल के लिए? क्या होता है मोनोमियल एक्सप्रेशन? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो, ठीक है। सो हियर इज -9 एक ही टर्म है इसलिए इसे कहा जाएगा मोनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह x भी एक मोनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। 2xyz, अब आप कहेंगे इसमें तो इतनी सारी टर्म है। नहीं, जो प्लस और माइनस से कनेक्टेड होती हैं इस तरह टर्म हम काउंट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, 2xyz ये एक ही है, सो इसे वन टर्म कहा जाएगा, ठीक है। सो ये वन टर्म है, मीन्स मोनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर दैट, मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें केवल एक ही टर्म हो वो मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर दैट। नेक्स्ट बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें टू टर्म होती है। सो एक्स प्लस वाई, देखिए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म टू टर्म है, ओके, टू टर्म है और एडिशन से मीन्स प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह 2x + c, ये टू टर्म है, सो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर दैट। इस तरह ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स हो, ठीक है, 5a + 2b + c, ये 1, 2 and 3 थ्री टर्म्स है, सो ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन कही जाएगी, ठीक है। इसी तरह 2a, सॉरी कुछ भी लेटर्स ले सकते हैं हम, वेरिएबल है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 टर्म है, सो ये ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर दैट। सो नेक्स्ट है पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है?
सो स्टूडेंट पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 1, 2, 3 और एनी टर्म्स हो, मीन्स बहुत सारे टर्म्स हो, सो उसे हम कहेंगे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। यदि 1 टर्म हो सो मोनोमियल, 2 टर्म एक्सप्रेशन हो सो बाइनोमियल, 3 टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो सो ट्रिनोमियल, एंड 3 से ज़्यादा हो, 4 हो, 5 टर्म हो, 6 टर्म हो, 10 टर्म हो, तो उसे कहा जाता है पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर दैट? सो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होती हैं? 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं। 3 टर्म होगी तो ट्रिनोमियल भी कहा जाएगा और पॉलीनोमियल भी कहा जा सकता है, ठीक है। सो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें 1, 2, 3 और ज़्यादा टर्म्स भी हो तो उन्हें पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पॉलीनोमियल, इनको हम पहचानना सीख गए हैं कि यदि 1 टर्म है सो हम कहेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन, 2 टर्म है सो हम कहेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, 3 टर्म्स है तो हम कहेंगे ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन, एंड पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें 1, इसे भी हम पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, इसे भी हम पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, इसे भी हम पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, और 3 से ज़्यादा टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, 6 टर्म है, 10 टर्म है, तो उन्हें हम पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट टर्म्स को काउंट करना आ गया। देखिए यहाँ पर कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है इसलिए हम इसे एक टर्म कह रहे हैं। यहाँ पर प्लस से कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग हो रही है सो इन्हें कहा जाएगा 2 टर्म, 1 टर्म एंड 2 टर्म, तो इसे कहते हैं हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह 1, 2, 3 टर्म से, बिकॉज बीच में क्या लग रहे हैं, साइन लग रहे हैं प्लस माइनस के, ओके। सो स्टूडेंट देखिए एक्स वाई ये कितनी टर्म का एक्सप्रेशन है? वेरी गुड, 1 टर्म एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। बट एक्स प्लस वाई ये 2 टर्म एक्सप्रेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्स वाई तो मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है एक्स वाई तो, और एक्स प्लस वाई कैसा एक्सप्रेशन है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर दैट? इसी तरह 5abc ये 1 टर्म है, 1 टर्म है इसलिए है मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। यदि हम इसे लिखें 5+a+b+c तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 टर्म है, मीन्स ये पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर दैट? ये 5+a+b+c इस तरह यदि हमने स्टेटमेंट लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट, सो न्यूमेरल और वेरिएबल प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं, है ना, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। सो एक्सप्रेशन में हमें जो साइन है उनका ध्यान रखना है कि साइन लग रहा है, सो यहाँ पर टर्म्स काउंट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर से एक ही टर्म काउंट करते हैं। क्लियर दैट?